तो है गाइस, आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब बढ़िया होंगे। आज फिर से एक नए मेरे नए ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। और मैं अभी आया हुआ हूँ कहाँ पे, कहाँ पे नहीं आएगा, वीडियो पूरा देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। अभी हाईवे देख सकते हो, पीछे अपनी गाड़ी भी खड़ी है और अभी पिक्चर क्वालिटी साफ नहीं आ रही क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 7 बज रहे हैं अभी। और मैं निकल चुका हूँ जयपुर से 100 किलोमीटर आगे। अब कहाँ जा रहा हूँ आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। और अपनी मजबूरी के लिए जा रहा हूँ, अपने रोज़गार के लिए रोज़गार ढूंढने जा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे यूट्यूब पे तो सहयोग दोगे नहीं, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी। नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, अगर मिलती है तो आपको बताते हैं। तो वीडियो में बने रहें और लोकेशन दिखा देते हैं थोड़ी सुबह की आपको। तो गाइस, अपनी गाड़ी खड़ी है सामने और चारों ओर आप लोकेशन देख सकते हो। और अभी वहीं पेट्रोल डलवाया था आज और पोपट हो जाता फतेहपुर के आगे आगे, लेकिन पेट्रोल पंप नहीं मिला, यही पेट्रोल मिला। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ पे और चारों ओर देख सकते हो सुबह का टाइम हो चुका है और कितना अच्छा शानदार मौसम हो रहा है। चारों ओर खेत हरियाली वगैरह सब कुछ है। तो बने रहे वीडियो के अंदर, आपको आगे मिलते हैं और पता चल जाएगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, जय हिंद, आपको मिलते हैं आगे। तो गाइस दोपहर हो चुके, दोपहर तो नहीं, 10 बज रहे हैं और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कहाँ आ गया मैं। तो हाईवे नेशनल हाईवे 11 मतलब 11 और ये डूंगरगढ़ है, डूंगरगढ़ पड़ता है। और मुझे लगभग 5 घंटे हो गए जयपुर से रवाना होते हुए और यहाँ रुकेंगे, चाय पानी का नाश्ता वगैरह करेंगे। आप मार्केट गए जब वहाँ डूंगरगढ़ से आगे आगे और अभी ये लक्कासर गांव है, तो इस होटल पे चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। देख सकते हो हाईवे ही है सामने, क्या देखोगे और ज़्यादा। थोड़ा और आगे अभी 100 किलोमीटर आगे और जाना है और वहाँ जाके मिलते हैं आपसे, अभी चाय पीते हैं आपसे। चाय दे दिए, चाय पियेंगे फिर आगे चलेंगे। अरे होटल का नाम भी देख सकते हो आप, सब चीज़ मिल जाएगी। और लक्कासर गांव में पड़ती है डूंगरगढ़ से आके। ओ चाय बहुत ज़्यादा गर्म है और कोई खाने वाने का नाश्ता सब कुछ मिलता है। और ये हाईवे है, ये लक्कासर गांव है और बसें भी देख सकते हो कैसी चल रही है। तो मिलते हैं आगे आपसे। मेरे भाई ने मुझे 2-3 हज़ार रुपये दिए थे इस पुलिस खाने की वजह से। मुझे तारा मेरी गाड़ी पकड़ ली क्योंकि इसकी आग वगैरह नहीं थी, लाइसेंस नहीं था और इंश्योरेंस नहीं था, तो एक समस्या हो गई। 5 हज़ार का चालान काट दिया थानेदार ने। बड़ी मुश्किल से समझा इसका पूरा कि एक कांस्टेबल ने 2100 रुपये नगद लेकर मेरी गाड़ी छोड़ी और अभी कुछ देर में वो गाड़ी लेकर आ जाएगा। अंदर मैं वीडियो शूट नहीं कर सका क्योंकि पुलिस वाले मेरे मोबाइल भी छीने लगे थे। तो एक बड़ा बहुत बड़ा पॉकेट हो गया, नौकरी तो मिली नहीं मिली, अभी तो 2000 रुपये चुनाव लग गया। चलो गाड़ी लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपसे। अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, अब बीकानेर के अंदर घुसने वाले हैं। आप सामने बोर्ड भी देख सकते हो और आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो नागौर देशनोक जैसलमेर बीकानेर। तो 10 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो बीकानेर पहुँच जाएंगे, बीकानेर से 50 किलोमीटर आगे जाना है। चलो आगे चलते हैं और आगे मिलते हैं आपसे। बीकानेर से बाहर आगे, बीकानेर का मार्केट आपको दिखा नहीं सके। और ये धाम देख सकते हो आप कहाँ खड़े हैं अभी, मैं कहाँ खड़ा हूँ देख सकते हो आप यहाँ पे। और बिल्कुल चारों ओर बियाबान रेगिस्तान है, अपना भारत महान है। ये हाईवे है, आपके लिए वीडियो शूट करने आ गया थोड़ा सा। और आसपास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही है जंगल ही जंगल। तो आगे चलते हैं, आपको बीकानेर में कुछ दिखा नहीं पाया उसके लिए सॉरी। डेस्टिनेशन के लगभग 5-10 किलोमीटर और है, उससे पहले आपको दिखाता हूँ। मैंने भी पहली बार देखा, देखो कितनी गिट्टी का या पत्थरों का काम है यहाँ पे बीकानेर के अंदर। चारों ओर देख सकते हो आप, चारों ओर देख सकते हो, यही ये है। और 10 किलोमीटर तक यही ये था पूरा, ये ऐसे टीबे लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और चारों ओर देख सकते हो आप कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और ये हाईवे है अपना। तो गाइस आना था लोकेशन डेस्टिनेशन, वहाँ पे आ गए और अपना भाई मिल गया यहाँ पे। और भाई से पूछते हैं अपनी नौकरी का क्या हुआ, हमारी नौकरी कहीं हो? वो
बहुत जल्द आपको बढ़िया सी एक नौकरी भी मिल जाएगी और मैं पूरा आपके सबसे प्यार भी करता हूँ। मुझे YouTube सहयोग ही नहीं कर रहा, कोई पेमेंट नहीं दे रहा। YouTube वाले भाई बहुत अच्छे होते हैं और वो धीरे धीरे आपके जब वीडियो एकदम ठीक ठाक बनेंगे, जब लोग इसे लाइक करेंगे और जिस किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो इनको लाइक और जो कुछ भी आपसे होता है वो आप करेंगे। गाइस आपने देख लिया, भाई ने मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अभी वैकेंसी अभी नहीं है, थोड़े दिनों में वैकेंसी हो जाएगी तो मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे। और यही है भाई का ठिकाना, यहाँ पे रॉयल्टी का ठेका है, चारों ओर देख सकते हो ट्रक। और वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पे, समझ रहे हो आप। यहाँ का ठेका मेरा भाई संभालता, जो आप पीछे देख रहे हो वो जा रहा है और ये कलेक्शन की गाड़ी गई है यहाँ से कलेक्शन लेके, और ये जो पत्थर वगैरह खाने वगैरह दिखाई थी उनकी रॉयल्टी कटती है। और भाई यहीं पे काम करता है, वो सामने ऑफिस है वो दिख रहा है जो। और अब यहाँ से थोड़ी देर बाद चलेंगे, नाश्ता पानी कर लिया उस होटल के ऊपर, भाई ने करवा दिया। अब यहाँ से निकलेंगे थोड़ी देर बाद, फिर आपको रास्ते में एक बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिखाएगी जो मैंने आते टाइम देखा, लेकिन धूप की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाया, लेकिन अब जाते टाइम मैं आपके लिए वीडियो शूट ज़रूर करूँगा। मेरे भाई के यहाँ से वहाँ से आपसे जहाँ मेरे को जाना, तो उसके आने के बाद वापस मैं बीकानेर पहुँच गया। बीकानेर में आपको देखो क्या चीज़ दिखाता हूँ, स्पेशल चीज़ें दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हो, ये हाईवे के ऊपर ही है पूरी, और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। ये मार्केट है, और अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस भारत की शान, भारत का टैग, आर्मी एरिया, ये देख सकते हो टैंक कितना बढ़िया लग रहा है। और सामने हेलीकॉप्टर भी है, वो भी दिखा देते हैं आपको, हवाई जहाज। तो गाइस इतनी मेहनत की आपके लिए धूप के अंदर, लाइक तो बनता है। ये देख सकते हो हेलीकॉप्टर, और ये अपने जवान अमर शहीद कैप्टन चंद चौधरी युवा ग्रेनेडियर, नाम भी देख सकते हो आप इनका, और इनको भी देख सकते हो, और अपनी देश की शान टैंक। तो गाइस इतनी धूप के अंदर आपके लिए इतने बढ़िया लोकेशन पे ये चीज़ें दिखाई है आर्मी की और देश की शान, तो आपको कैसी लगी, एक लाइक तो बनता ही बनता है। और अभी यहाँ से निकलेंगे बीकानेर से बाहर, अब बीकानेर से बाहर निकलने वाले हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं रुकेंगे, तो नाश्ता पानी करेंगे वहाँ रुकेंगे, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब नाश्ता वगैरह करना है, इस एक रेस्टोरेंट के अंदर आ गया, और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, सब चीज़ मिलती है, फास्ट फूड वगैरह टॉफ़ी वगैरह आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, मैंने सब कुछ कवर किया है। अभी एक भाई साहब ऐसे बोलेंगे वीडियो अलाउड नहीं है, लेकिन हमारा काम तो वीडियो शूट करना है आप लोगों के लिए, हमने वीडियो शूट किया है चारों ओर से लिए, लेकिन हमें थोड़ी डांट पड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे फैमिली मेम्बरों के लिए हम डांट सुन सकते हैं। और ये शानदार होटल है, बीकानेर से 1 किलोमीटर पहले पड़ती है होटल, नाम इसका नहीं बता पाए कि वीडियो शूट करने के लिए साफ साफ मना किया था। अब हम यहाँ क्या नाश्ता करेंगे, ये भाई को देख सकते हो आप। और अब हमने बर्गर ले लिया, टेस्टी बर्गर शानदार, और कोल्ड ड्रिंक ले ली एक। मंदिर है वैष्णो धाम मंदिर जो आप देख रहे हो, और वो सामने शिव जी का मंदिर आपको दिख रहा हो, तो यहाँ आना अपनी फैमिली को लेके और दर्शन करके ज़रूर जाना। और ये नेशनल हाईवे 11 है और बीकानेर जाता है ये रास्ता, बीकानेर से 5 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है, तो आप यहाँ आए ज़रूर, अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा मंदिर का टूर मिल जाएगा, तो वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना आप बिल्कुल। बहुत तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज। थोड़ा आराम कर लिया था रास्ते में, थोड़ी नींद आ गई थी, तो अब इवनिंग का टाइम हो गया, और किस्मत इतनी ख़राब है, बरसात ही नहीं देखी, लेकिन बरसात हो रखी है। देखो मैं सो रहा था जब बरसात हो गई, अब इस होटल पर आए, चाय पीऊँगा और आँखें धो धा के अब यहाँ से निकलेंगे, बीकानेर को बाय बाय कर देते हैं, डूंगरपुर को बाय बाय कर देते हैं, फिर आपसे आगे मिलते हैं। आई होप आप बने हो रहे हो वीडियो के अंदर, वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो आपका दिल से धन्यवाद, लेकिन ये मौसम रूठ गया हमसे, उससे हम क्या कर सकते हैं यार, सावन की बरसात ही नहीं देखी अभी तक। तो आप पूरी बरसात हो रही है, लेकिन मुझे अभी तक बारिश नहीं मिली यहाँ तक, और मौसम भी इतना शानदार हो रहा है। और इस होटल पे चाय पी रहे हैं, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस उस होटल में चाय तो बढ़िया नहीं मिली, उस चाय को मैं फेंक के आ गया, अब दूसरी होटल पे आया हूँ, मस्त चाय है, होटल दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से। और अभी चाय एंजॉय कीजिए, मैं भी चाय पी रहा हूँ। तो गाइस
उस होटल पे चाय बढ़िया नहीं मिली, अभी चाय एंजॉय कर ली, चाय बहुत अच्छी बनाई है उस होटल पे। और ये होटल पड़ती है डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ से 10 किलोमीटर पहले। होटल का नाम भी देख सकते हो, आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और क्राउड दिखाता हूँ कितना ज़्यादा क्राउड है इसके अंदर। क्राउड देख के आप खुद समझ जाओगे और आपके आने की इच्छा होगी। अब गाड़ियाँ देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, बस भी खड़ी है, गाड़ी भी खड़ी है और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं देख सकते हो आप सामने। और उसके अलावा ये होटल का नाम है दीक्षा जनरल स्टोर पवन भोजनालय के नाम से। तो क्राउड भी देख सकते हो आप कितना क्राउड है यहाँ पे। आप क्राउड देख के समझ जाओ कि होटल कितनी बढ़िया है और चाय वगैरह यहाँ पे कैसी मिलती है। तो गाइज़ आपने देख लिया क्राउड वगैरह कितना था, और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि मैंने 500-600 किलोमीटर गाड़ी, 800 किलोमीटर गाड़ी चला ली। बाइक चलाना 800 किलोमीटर एक दिन में कितना भारी है आप खुद समझते हो। आपके लिए इतनी मेहनत, धूप में मैंने वीडियो शूट किया, क्या क्या चीज़ें दिखाई। अब शाम का टाइम हो गया, नींद वगैरह आ रही है, तो अब मैं आगे वीडियो शूट नहीं कर सकता, तो इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस, मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।